हेलो फ्रेंड्स, आज आप सब लोग पीटीटी का पेपर देकर आए हैं। पीटीटी 2 ईयर एंड 4 ईयर का बीएससी बीएड एंड बीएससी का पेपर देके आए हैं। तो उस पेपर में आपको बहुत सारी क्वेश्चंस देखने को मिले और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आए थे वो मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ और उनके आंसर की भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम मैथ एंड रीजनिंग का पेपर सोल्व करते हैं। मैथ एंड रीजनिंग में आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया था। इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसमें बी ऑप्शन आर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर में आपसे पैटर्न पूछा गया था और पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यानी बी ऑप्शन वाला अल्फा बीटा गामा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और आपको इसमें सीधा करना था। सीधा करने के बाद आपको नंबरिंग चेंज करके फिर आंसर करना था। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसमें आंसर आपके 11 नंबर में 1 आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आपकी परसेंटेज निकालनी थी। इसमें आप परसेंटेज जैसे निकालोगे तो आपका राइट आंसर कुल उत्पादन जो आपका है उसकी लागत आ जाएगी आपके पास 50,000, बी ऑप्शन हो जाएगा। और छपाई की लागत और कागज की लागत में अगर आप अंतर की बात करेंगे तो ये आपके पास 11,000 आएगा यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके पास रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, इसमें डिफरेंस क्रिएट वाला ये क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास आंसर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा GJMP। क्या हो जाएगा? GJMP। तो सी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि खिड़की को दीवार कहा जाए, दीवार को फर्श कहा जाए और फर्श को दरवाजा कहा जाए। तो बताइए कि बंदा जो खिलाड़ी है वो व्यक्ति है जो वो किस पे खड़ा रहता है, तो किस पे खड़ा रहता है? फर्श पे। तो फर्श को क्या कहा गया है? दरवाजा कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दरवाजा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे लुप्त नंबर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे लुप्त नंबर पूछा गया है। आपको लुप्त नंबर बताना था कि क्वेश्चन नंबर 16 में लुप्त नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का लुप्त नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 16 का लुप्त नंबर 36 आ रहा है। राइट आंसर 36 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 17 क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज वाले में आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? -9%। उसके बाद ब्लैक को DNCEM कहा जाता है, तो स्वीट को क्या कहा जाएगा? तो इसको स्वीट को आपका कहा जाएगा UYGGB। क्या कहा जाएगा? UYGGB आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 में अगर आप देखेंगे तो जो आपका स्वीट है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा KW। क्या कहा जाएगा? KW आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 और 6 के बीच में घड़ी के कौन सी मिनट की सुइयों पे दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएगी? तो कब आ जाएगी? 5:27:3/11 पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़े हैं, रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है, रिया का जन्म सोमवार को हुआ तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके पास 22 और 23 की। तो देखिए, जो क्वेश्चन अभी अभी मुझे पता है उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 22 आप खुद कर लेना एक बार, इसको करने में टाइम लग रहा था इसलिए मैंने आपको सीधा क्वेश्चन ही बता दिया। 23 में आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा राइट आंसर? सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 25 किमी पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 किमी पूरा आपके पास राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 की अगर मैं बात करूं तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा QUICK। क्या आंसर हो जाएगा? QUICK, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन में आप खुद मैच कर सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। 27 से मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बहिन राइट आंसर हो जाएगा। 28 की अगर मैं बात करूँ तो 28 में आपके पास H/RT हो जाएगा, R×T हो जाएगा। 29 की अगर मैं बात करूँ तो 29 में मेरे पास आंसर हो जाएगा 5:3:1:2:4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 30 है उसका राइट आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की हम बात कर लेते हैं। तो 31 में आपके पास राइट आंसर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 में?
एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 की अगर हम बात करें तो 32 में आपके पास नीला राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? नीला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास 13 रुपये एंड 17 रुपये राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 5 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। 35 की अगर मैं बात करूँ तो 35 में आपके पास जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी इनमें से राइट आंसर नहीं जा रहा है। 36 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 36 में, यानी 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 की अगर मैं बात करूँ तो 37 में देखिए आप, 37 में आप खुद देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ तो 38 में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। जैसे देखिए कोई एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पेपर से आप खुद मैच कर सकते हैं और खुद अपना दोबारा से आंसर चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में 39 की अगर बात करूँ तो 39 में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो 40 में आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। 41 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 आप खुद देख लेना एक बार। 43 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कितने गन बनेंगे। उसके बाद 45 में आपको बता देता हूँ, 45 में आपके पास ए आंसर 64 हो जाएगा। 46 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास डी ऑप्शन 7 हो जाएगा। उसके बाद 47 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ए ऑप्शन 360 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 में आ जाते हैं तो 48 में आपके पास सी ऑप्शन, उसकी कोटि जानने के लिए दोनों कथन चाहिए, यह आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 49 की अगर मैं बात करूँ तो 49 में आपके पास डी ऑप्शन 24,400 आंसर हो जाएगा। और 50 की अगर मैं बात करूँ तो 50 में ए आंसर सोमवार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके सामने है तो आप एक बार फिर से इसको करके और मैच कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें ताकि उसका आंसर मैं सही तरीके से सही कर सकूं।